रहती हूँ और अंबरपेट राहत नगर में मैं रहती हूँ। मेरे महीने 10 महीने से मेरे को किराएदार सता रहे। आज मैं किराया मांगने गई तो उन्होंने मेरे को हमला करे, मेरे बच्चों को भी हमला करे, मेरे शोहर को हमला करे और मेरे बच्चे को चाकू से डंडे से भी मारे और चाकू से भी हमला करे। हुसैन महमूद हुसैनी उन्होंने उनका नाम है, उन्होंने मेरे बच्चे को मारे और मेरे शोहर बचाने हैं तो मेरे शोहर को भी पैर से डंडे से मारे, बच्चे को भी मारे, बड़े बच्चे को भी मेरे बहुत ज़्यादा मारे। मैं पुलिस कंप्लेन करी, मैं अम्बहातनगर अम्बरपेट पीएस में किराया मांगने गए तो मार रहे। मैंने से किराया नहीं पूछना कहते उनको, किराया मैं दियो बोल के नहीं पूछना कहते। कैसा मांगते आप किराया? तो बोले किसका है? आपके बाप का घर है क्या? पूछी तो मेरे बाप का घर है। हाँ मेरे बाप का घर है बोल के उल्टा मेरे कुछ पूछ रहे, मेरे पे भी हमला कर रहे। मेरे बच्चे महमूद हुसैनी मेरे किराएदार है घर के, 10 महीने का किराया बाकी है, उन्होंने अभी तक नहीं दिया। उन्होंने मेरे शोहर पे अटैक करे, मेरे बच्चे को अटैक करे, मेरे पे करे, फिर बाद में मेरे बच्चे को करे, मेरे पे करे, मेरे पे मेरे को मारे, इनको मार के फिर बच्चा गया तो बच्चे के बच्चे को भी मार के चाकू से सर खोल दिए। उन्होंने 10 टाके लगे बच्चे को, मेरे बच्चे को हाथ को मारे, हाथ का फ्रैक्चर भी हो गया मेरे बच्चे को। मेरे को ऐसे ऐसे तकलीफा दे रहे हैं लोग, घर खाने करते बोल के बोल रहे हैं। हाँ मेरे बाप का घर है बोल के उल्टा मेरे कुछ बोल रहे हैं। मैं कंप्लेन करी दो महीने पहले ये कंप्लेन लिखाई मैं जाके पुलिस स्टेशन में, अंबरपेट पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दी। उन्होंने कंप्लेन में लिखे साइन भी करे, आके मैं पैसे किराया भी देता हूँ, मैं आपको ये तारीख को देता हूँ बोल के बोले भी। उन्होंने किराया भी नहीं दी। उन्होंने 96,500 देना है, अभी तक नहीं दिए उन्होंने किराया। दे मांगने जाओ बातें कर रहे हो, मार रहे, मांगने जाओ मारने शुरू कर दे रहे। तेलंगाना से अपील कर रही हूँ मैं, ये ऐसे किराया तेलंगाना पीएस से अपील कर रही हूँ मैं, पुलिस तेलंगाना पुलिस स्टेशन से तेलंगाना पुलिस स्टेशन से अपील, पुलिस वालों से अपील है ये, मेरे ऐसे किराएदारों से निजात दिला दीजिए, मेरे को जल्द से जल्द घर खाली करके दे दीजिए। मेरा नाम शेख फराज सिद्दीकी है। मैं आज ऊपर किराएदार के पास गए थे, वालदा जाके किराए के लिए बोल के लेने गए थे। किराएदार जो है मेरे पे और वालदा पे, वालिद साहब पे, तीनों पे भी डोर खोलते ही जो है हमला करे सो है। कितने जने मारे? एक जने ही है, उन्होंने महमूद हुसैन बोल के है। उन्होंने 10 महीने का किराया देने का है, जाके किराए के लिए पूछ के आए तो डोर खोलते ही सीधा सीधा पहले वालदा को मारे, फिर वालिद साहब को मारे, वालिद साहब के पैर पे मार दिए। किससे मारे? वो लकड़ी से मारे, मेरे को फिर छुरी से मार दिए यहाँ पे। MLC वगैरह कराया सो हमें पुलिस स्टेशन में, अंबरपेट पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन दिए। देने के बाद अब लोग है वहीं पर है। तो जो हमारे आपको उनको अरेस्ट कर लिए? नहीं नहीं करे, अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिए। अभी बोले सो है, अभी अपन कंप्लेन दिए सो है। अब वो जल्द से जल्द उन्होंने अपना घर खाली करके देना और जो भी है उन्होंने उनके ऊपर जल्द से जल्द इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बहुत हमारे को उनसे धोखा है, हमारे को हमारी जान का धोखा है उनसे हमारे को। कितने महीने से रहते हैं आपके किराए? मेरे पास 10 महीने का किराया पेंडिंग है, 96,500 जो है उन्होंने किराया देने का है। 4 महीने 3 महीने का तो राशन भी दिलाए हम उनके घर में लॉकडाउन के पीरियड में, उनको हेल्प करे सब करे, फिर भी उन्होंने ऐसा करे सो है। क्या नाम है? महमूद हुसैन नाम है। ये पुलिस स्टेशन में ठहर के हम दो महीने पहले यहाँ पे डेट है, देखिए 9 अगस्त को जो है उन्होंने वहाँ पे पुलिस स्टेशन में सर्कल साहब के सामने ठहर के लेटर लिखे थे। सो एंड सो डेट्स के टाइम पे मैं बीते थे पैसे देता हूँ बोल के लिखे। आज की डेट है, आज जाके दिए सो है। देखिए आप हर चीज़ डेट एंड उसके साथ है पूरा। डेट्स वगैरह है, हर चीज़ है। अभी तक कुछ भी 1 रुपया नहीं दिए। इससे पहले की भी डेट गई 1 महीना पहले, फिर आप आज की डेट थी, आज गए जाके पैसे पूछने गए तो पहले वालदा पे हमला करे, फिर वालिद साहब पे करे, मेरे को भी मारे छुरी से मार दी। नहीं आप
इंसाफ होना, देखिए खाली कराइए, ऐसे लोग आ रहे तो बहुत जान का धोखा है। किराए के लिए दे के मदद करके भी अभी इतनी तकलीफ़ में दे रहे लोग।